हाय फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह लालर, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे करण लालर के नाम से जानते हैं। मैं आज लाइव हो रहा हूँ आप लोगों के साथ। इस लॉकडाउन के टाइम में कुछ चीज़ें थी, कुछ एक्सपीरियंस थे जो इस लॉकडाउन के टाइम में गेन किए, तो उन्हीं को शेयर करना चाह रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारी कंट्री का पूरा वर्ल्ड ही कोरोना COVID-19 से इफेक्टेड है, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ कंट्री वर्ल्ड इस टाइम पे घरों के अंदर लॉकडाउन है। हम भी लॉकडाउन है, पिछले 22 मार्च से अभी तक घर में बैठे हैं हम भी। और ये टाइम जो है ये काफ़ी टफ टाइम है। फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं हम भी अपना साथ के साथ, क्योंकि ये जो वक्त है ये एक ऐसा टाइम है जो हमारे एक बिजी लाइफ को एकदम से ब्रेक मार दे। जिसने हम लोग बोलते थे कि यार टाइम ही नहीं है, कोई रिलेटिव का फ़ोन आता था कि आ जाओ यार मिल जाओ, हम बोलते थे टाइम ही नहीं है। घर वाले बोलते थे यहाँ जाना है, हम बोलते थे टाइम ही नहीं है। बच्चे के साथ भी खेलने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं था। इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो रखी थी कि हम लोग खुद के लिए ही टाइम नहीं था, और चीज़ें तो छोड़ो, खुद के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं था। लेकिन ये जब वक्त आया 22 मार्च से जब क्वारंटाइन शुरू हुआ और ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, बच्चे के लिए टाइम है, खुद के लिए टाइम है। और वो जो सारे काम हमें लगता था कि यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, उन काम के बिना हमारी लाइफ चलेगी ही नहीं, वो सारे काम रुके, लाइफ चल रही है, स्टिल गोइंग ऑन है। हर बंदा अपनी अपनी फैमिली के साथ है, हर बंदा अपनी अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं फैमिली के साथ जो शायद आज से पहले कभी हुए ही नहीं। मैं तो पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा, लोगों के बारे में नहीं कहूँगा। मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था इस क्वारंटाइन के टाइम में, वो बहुत वंडरफुल रहा है मेरे लिए। एक न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग, न्यू लर्निंग स्टार्ट है। शुरू के पहले 2-3 दिन लग जाएगा, क्या करेंगे, फिर सोचा कि यार टाइम है, वेस्ट क्यों करें, कुछ करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करनी शुरू की जो टाइम पास के लिए शुरू की थी, बट अब एक पार्ट ऑफ द लाइफ बन चुका है। खुद के लिए एक्सरसाइज करना शुरू किया, ठीक है, स्पेस नहीं थी, जितनी स्पेस है उतनी में ही शुरू किया, रनिंग एंड वॉकिंग शुरू की, धीरे धीरे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब डेली की मेरी जो एवरेज है वो लगभग 12-13 किलोमीटर की एवरेज है, जिसमें 7-8 किलोमीटर की वॉक होती है और 4-5 किलोमीटर की रनिंग होती है। पिछले इन 28-29 महीने से ज़्यादा हो गया, इस टाइम के अंदर मैंने जो अपना वेट बिना किसी सप्लीमेंट, बिना किसी की एडवाइस, नॉर्मल डाइट फूड और नॉर्मल उसके ऊपर लगभग मैंने अपना 3.5 किलो वेट कम किया। अच्छा लगा, बढ़िया फील हो, पहला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस, टाइम पास पूरा दिन क्या करें, कितना टीवी देखें, कितनी और चीज़ें करें, तो सोचा कि लेट्स रीड समथिंग। पुरानी बुक्स निकाली फिर से जो कहीं दफन हो गई थी, जिनको पढ़ने का छोड़ ही दिया था। अगर पिछले 5 साल से मैंने कोई भी नई बुक रीड आउट ही नहीं किया, इन बिटवीन कुछ बुक्स निकाली जिनको पढ़ना शुरू किया। एक बुक है अनकॉन्शियस माइंड, उस बुक को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पता लगी, माइंड के दोनों पार्ट्स के बारे में बड़ा हुआ, खुद के बारे में बहुत कुछ पता हुआ कि हम 90% हमारा काम हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है, जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स ही वहीं जाते हैं। उस बुक को पढ़ के पॉजिटिव एनर्जी आई। देन मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ है, उन्होंने जब मेरी मदर एक्सपायर हुई दैट टाइम मुझे गीता पढ़ने का सजेशन दिया। उस टाइम मैंने गीता पढ़ी क्योंकि मेरे मॉम एक्सपायर हुए थे, तो चलो घर में शांति के लिए गीता पढ़ी, रूटीन की तरह ही पढ़ी। उसके बाद एक बार और पढ़ी, लेकिन अब इस क्वारंटाइन के टाइम में जब गीता को पढ़ना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा खुद के लिए इतने रास्ते खुलते चले गए कि जितनी भी टेंशन्स हैं, जितने भी लाइफ के एम हैं, उन सबको कंप्लीट करने के लिए गीता से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। दुनिया का जितना भी सार है वो सब भगवद गीता के अंदर ही है, और मैंने तो भगवद गीता में जितना पढ़ा इस लॉकडाउन में स्पेशली, एक चीज़ समझ आई, वो है निष्काम कर्म। सिर्फ अपने कर्म पर सोचो। हम टेंशन जिस चीज़ के लेते हैं कि काम शुरू करने से पहले हम उसके रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि रिजल्ट होगा क्या, लेकिन गीता ने मुझे सिखाया कि नहीं, मेरा काम है कर्म करना, काम करना,
जितना अपने काम के ऊपर फोकस करूंगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो सोशल लाइफ है, अगर किसी के साथ हेल्प कर रहा हूँ तो ये सोच कर नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को इसके बदले क्या मिलेगा। किसी के साथ अगर प्रोफेशनली भी काम कर रहा हूँ तो ये सोच के नहीं कर रहा कि इसका रिजल्ट 100% मेरे फेवर में ही जाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं। गीता ने और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, रिश्तों के बारे में बहुत सिखाया, कौन से रिश्ते अपने हैं, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान। निष्क्रम काम में एक चीज़ और आती है, वो आती है हमारी सोशल लाइफ। अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या समाज में कुछ गलत होता देख कर भी हम चुप बैठ रहे हैं तो फिर हमसे बुरा आदमी कोई है ही नहीं। बहुत सारे रिश्तों के बारे में गीता ने, महाभारत ने, रामायण ने बहुत कुछ सिखाया। इस लॉकडाउन में जो महाभारत, रामायण, ये जितने भी पुराने सीरियल्स थे जो शुरू हुए, तब हम बच्चे थे, नई अकल थी, सिर्फ एक सीरियल के तौर पे देखा था। लेकिन अभी राइट नाउ जब उन्हें देख रहे हैं तो उन चीज़ों को समझ रहे हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अभी भी, मैं डेली महाभारत देख रहा हूँ, डेली रामायण भी देख रहा हूँ। इनफैक्ट इतना ज़्यादा इस चीज़ में गया हूँ कि दिन में 3 घंटे मैं महाभारत देखता हूँ, 2 घंटे जो हमारी पुराने वाली महाभारत आती है B.R. चोपड़ा की, और 1.5 घंटा जो स्टार प्लस पर महाभारत आती है 8 बजे। रामायण का भी सेम स्टोरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। काफ़ी सारी मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली हैं या ऐसी थॉट्स लगा लो कि लोगों ने अपने लाइफ के पूरे थॉट निकाल दिए कि ये क्या है समझने में। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, समझ नहीं सकते कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन इस क्वांटाइज ने अपने लिए बहुत कुछ सिखा दिया, अपनी लाइफ के एम्स को सिखा दिया है, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस क्वांटाइज के टाइम में लगी है, कौन अपना, कौन पराया, कौन आपका वेलविशर। ज़रूरी नहीं है कि आपके खून के रिश्ते हैं तो ही आपका वेलविशर है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ खून का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो आपके बहुत अच्छे वेलविशर होते हैं। और बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ खून का रिश्ता होता है लेकिन जिनके साथ नहीं पाते हैं। आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करो, अच्छा करने की कोशिश करो, बाकी वो अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि ये कहावत है कि अगर आप किसी के लिए भी करोगे तो लोग कुछ कहेंगे, और वो मेरे दोस्त किसने कहा है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट में और लगी है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम समाज के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ शोशा हो रहा है। किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके, इतना बड़ा शो ऑफ करके दिखा रहे हैं कि भैया हमने तो मतलब किला ही फतह कर लिया है, हमसे बड़ा दानवीर कोई है ही नहीं। उसकी हेल्प कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। दूसरा, आज भी सरकार बोल रही है, पुलिस बोल रही है, मेडिकल टीम बोल रही है कि भैया कोरोना इतनी आसान चीज़ नहीं है और ना ही इसका मतलब कोई हंड दिख रहा है, घर में रहो, सेफ रहो। लेकिन नहीं, सड़कों पे देखो लोग हैं, पार्कों में देखो लोग हैं, सोसाइटियों में देखो लोग हैं, ग्रुप हैं, इकट्ठे। समझ नहीं आता भाई कैसे लोग हैं, क्या है। चलो खैर, हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग के बारे में बात करूँगा। इस सारी चीज़ों के बीच में इंडस्ट्री की बहुत सारी खबरें, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की खबरें हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, लाइव चैनल्स देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, जो मैं अपने लिए पर्सनली कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है जो मेरा कोर बिज़नेस है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी है जो मेरा राइट नाउ आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस है, और आने वाला टाइम जो फ्यूचर है उसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या होगा, क्या लगता है। कोई भी देखो 100% तो ट्रू बता नहीं सकता, लेकिन एंड राइट नाउ मैं तो इस टाइम में इस क्वांटाइज की वजह से जितना अपने ऊपर वर्कआउट किया है या जितनी स्टडीज़ कर रहा हूँ या जितना रिसर्च कर रहा हूँ उसके हिसाब से एक चीज़ जानता हूँ कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। बींग एज ए ह्यूमन बींग मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने अपने आप को बहुत 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 चेंज किया, और मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं स्पेशल थैंक्स कर रहा हूँ उस लेडी को जो मेरे फ्रेंड की वाइफ हैं, जिन्होंने मुझे भगवद गीता पढ़ने के बारे में बताया। आज के लिए इतने हैं दोस्तों, फिर दोबारा आप लोगों के साथ ऑनलाइन होऊंगा, हर रोज़ थोड़ी बहुत देर के लिए बात करेंगे, देखते हैं वाकई क्या होता है। थैंक यू सो मच।